जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज एक कोर्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अपने रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो आपके और सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गया है, काफी सारे कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है, और जो बाकी कोर्सेज बचे हैं उनका भी रिजल्ट इस वीक में आ जाएगा। एक कोर्स का रिजल्ट आज भी डिक्लेयर हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो बाकी कोर्सेज है आपका, जैसे बीसीए है, बीबीए है, बीबीए के फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, एलएलबी है, बीएलएल है, तो इन सभी कोर्सेज का रिजल्ट इस वीक में आ जाएगा, और हो सकता है बहुत जल्द आएगा, कल परसों में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट होती है वो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करता हूं, वो आपको पता है। आगे बात करते हैं, जो हमारे सेमेस्टर मोड के एग्जाम है वो आपको पता है 15 जुलाई से है। तो सेमेस्टर मोड के लिए आपके 15 जुलाई से एग्जाम है, उनकी डेट शीट आपको जारी कर दी गई थी, जो रिवाइज डेट शीट थी। अब जो हमारे 8 जुलाई से एग्जाम है, यानी कि जो एनुअल एग्जाम है 8 जुलाई से है, तो उनके लिए आज से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि जो हमारे पास पुराना एडमिट कार्ड है क्या हम उससे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं, यदि आपके पास पुराना एडमिट कार्ड है तो आप उससे भी एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि आज से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है जो हमारे 20 जुलाई से बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम होने हैं, तो उसके लिए आपका जो बीएड सेकंड ईयर के जो एग्जाम होने 20 जुलाई के लिए, तो उसकी जो सेंटर की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, यानी कि कहां कहां पर एग्जाम होने हैं, यानी कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं, तो उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। 42 सेंटर बनाए गए हैं, 42 सेंटर पर आपके जो बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम होने हैं। अब बात करते हैं जिस कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। साथियों, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आज आप दोपहर 12 बजे के बाद सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है, आज से आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसको देख सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।